नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक्स एजुकेशन में। दोस्तों, इस चैनल में मैं आपके लिए स्टॉक मार्केट से डेली अपडेट्स लाता आता हूँ। सो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको पैनी शेयर में आप भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो सभी की नज़र इस टाइम GTL इंफ्रा और लियोड स्टील पे है। लेकिन उसके पीछे का एक और शेयर है जो कि काफ़ी तेजी के साथ भाग रहा है। अगर उसे खरीदते हैं तो उसमें आपको काफ़ी अच्छा खासा मुनाफा बनाया जा सकता है। तो देख लेते हैं कंपनी का क्या डिटेल बनता है। दोस्तों, मैं बात कर रहा प्रकाश स्टीलेज लिमिटेड। अगर इस कंपनी के लास्ट ट्रेडिंग सेशन के क्लोजिंग की बात करें तो आप देखेंगे 1.30 रुपये पे इसमें क्लोजिंग हुआ है, जबकि 52 वीक हाई और लो की बात करते हैं तो 55 पैसे का ये शेयर हुआ करता था, पहुंच चुका था 2.10 रुपये पे और इस टाइम यह शेयर मिल रहा है 1.30 रुपये पे। तो देख लेते हैं कंपनी का और डिटेल क्या बनता है। अगर इस कंपनी के ग्रोथ की बात करते हैं तो आप देखेंगे इनका रेवेन्यू लगातार कम होता हुआ दिखा है। हालांकि 2019 में थोड़ी सी ग्रोथ हुई थी, लेकिन वो ग्रोथ फिर से 2020 में कम हो चुकी है। कंपनी के प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी 2017 और 2018 में कंपनी को लॉस हुआ था। 2017 के लॉस की बात करें 55.55 करोड़ का कंपनी को लॉस हुआ था और 2018 की बात करें तो 240.77 करोड़ का लॉस हुआ था। कंपनी ने अगेन बाउंस बैक किया और 2019 में कंपनी ने 13.75 करोड़ का प्रॉफिट बनाया। 2020 में कंपनी को अगेन लॉस हुआ 0.25 करोड़ का। मार्च 21 के क्वार्टर की बात करें तो आप देखेंगे कंपनी ने प्रॉफिट बनाया है जो कि 52.39 करोड़ का है। कंपनी का अगर नेट सेल की बात करें तो उसमें भी ग्रोथ देखने को मिला 10.77% का। तो देख लेते हैं कंपनी का और डिटेल क्या बनता है। ऑल टाइम चार्ट की बात करें तो यह कंपनी 25 रुपये के आसपास का चला करता था, यानी 22.05 रुपये का और इस टाइम यह शेयर मिल रहा है 1.30 रुपये पे। तो आप खुद ही सोच सकते हैं कितना ज़्यादा नीचे मिल रहा है और जिस हिसाब से यह कंपनी फिर से ग्रो करने की कोशिश कर रहा है, ऐसे में यह शेयर काफ़ी ऊपर तक जा सकता है। तो देख लेते हैं कंपनी का रिटर्न का डेटा। आप देखेंगे 3 महीने में इस कंपनी ने 66% का रिटर्न दिया, जबकि 1 साल की बात करें तो 93% का रिटर्न, 2 साल की बात करते तो 357% का रिटर्न, जबकि 3 साल की बात करें तो 326% का रिटर्न, 5 साल और 10 साल की बात करें तो 10 साल में -91% का रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। अगर इस कंपनी की ग्रोथ की बात करें तो आप देखेंगे जिस सर्कल में यह ग्रो कर रहा है, यानी कि जिस टारगेट के बीच में, जिस रेंज में यह कंपनी ग्रो कर रहा है, ऐसे में अगर यह कंपनी तोड़ता है लेवल 1.35 रुपये का तो फिर इसमें आपको 2.10 रुपये तक का टारगेट देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, अगर इस कंपनी में आप इंटर करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप एक पैनी शेयर में इंटर कर रहे हैं और पैनी शेयर का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा आप रिस्क ले रहे हैं। काम करता है वो लोग इस शेयर से दूर रहें तो ज़्यादा बेटर है। अगर आपको पता है तभी इस शेयर में आप इंटर करें, क्योंकि दोस्तों ये शेयर ऑपरेटर के हाथ में ज़्यादातर रहता है, क्योंकि ऑपरेटर्स इसमें इंक्लूडिंग होते हैं। जब वो खरीदते हैं तो शेयर भागता है और जब वो बेचते हैं तो शेयर डायरेक्टली गिरता है और अपर सर्किट लोअर सर्किट पर ही चलते रहता है। तो इसमें आप अगर अपर सर्किट चल रहा है तो आप खरीद नहीं सकते हैं, अगर लोअर सर्किट चल रहा है तो आप बेच नहीं सकते हैं। इसीलिए अगर पैनी शेयर का मतलब नहीं समझते तो आप दूर रहें, अगर समझते हैं तभी आप इंटर करें। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।